हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय बजाज सर। आज मैं आपके साथ क्लास प्लस टू के करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर JEE मेंस, एडवांस एंड नीट के लिए। आज का लेक्चर प्योरली कॉम्पिटेटिव बेस्ड है, जिसके अंदर मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स दूंगा हाउ टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इन सेकेंड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इनफाइनाइट सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल। अगर आए तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट फार्मूला भी है या एक लॉन्गर मेथड है कि हम क्या करेंगे। अगर इस तरह से हमारे पास एक सर्किट है, इनफाइनाइट है, तो हम ये करते थे कि जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं यहाँ तक रख के इसके साथ लगा के पूरे का एक्स सपोज कर लो, फिर इसके पैरेलल, फिर तीनों सीरीज में, तो इस अकॉर्डिंग से हम उसको सॉल्व करते थे, राइट। आज मैं आपको इसका रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंगली देखिए, आर ए बी निकालना चाहता हूँ तो दैट विल बी हाफ सम ऑफ आर वन प्लस आर टू, राइट, इसका सम प्लस हाफ स्केयर रूट ऑफ आर वन प्लस आर टू का स्केयर, फिर आर थ्री को अकेला क्यों छोड़े, दैट इज फोर आर थ्री ब्रैकेट आर वन प्लस आर टू, गॉट इट। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर, ठीक है जी। कई बार होता है कि बच्चे को याद नहीं रहता है, तो इसको याद करने का तरीका भी आपको सिखाता हूं। इन दोनों के सम का हाफ प्लस हाफ दोबारा स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों का सम का स्क्वायर, देन फोर टाइम्स इसका इनटू आर वन प्लस आर टू, तो याद हो जाएगा जी, राइट। अगर इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या हो, अगर इस तरह से आर टू ना दिया हो, ये वाला सर्किट आ जाए, तो क्या करना है, आर टू को यहां पे जीरो पुट कर दो। अगर आर वन नहीं है, आर टू दिया हुआ है, तो आर वन को जीरो पुट कर दो। जिस तरह से सिचुएशन चेंज होगा उस हिसाब से हम उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला सर्किट दिया हमें, यहाँ पे आप देखिए R2 हमें गिवन नहीं है, इस फॉर्मूले में R2 गिवन नहीं है। R1 की वैल्यू भी R है, R2 की वैल्यू भी R3 की वैल्यू भी R है, तो R1 और R3 की वैल्यू मैं R पुट कर रहा हूँ, R2 की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो उसको सॉल्व करते हैं, हाफ R1 प्लस 0 प्लस हाफ R प्लस 0 प्लस 4 R3 R1 प्लस 0 का स्केयर रूट, सॉल्व किया तो दैट विल बी आर बाई टू ब्रैकेट वन प्लस स्केयर रूट फाइव, दिस इज द फाइनल आंसर। एक सेकेंड में सवाल हो गया जी, राइट। आगे आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में आपने पहले कैपेसिटर में भी पढ़ा है, राइट। तो दो तरह का होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड। मैं दोनों कराऊंगा आपको, बैलेंस्ड को कैसे सॉल्व करते हैं और अनबैलेंस्ड को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट। तो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, हमारे को इस शेप को बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, पहले तो ये याद रखना है, इस शेप को व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, राइट। अब देखिए ये बैलेंस्ड कब होगा, और जब ये बैलेंस होगा तो होगा क्या, ये बैलेंस का मतलब क्या है, इस चीज को समझना जरूरी है। देखिए, अगर इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट और इन दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट सेम हो जाए, तो देखिए क्रॉस लग गया, तो आर फाइव बीच में है ही नहीं। इसका मतलब हुआ एक्स और वाई दोनों के पोटेंशियल सेम हो गए, मतलब इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ओके। इनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो आर फाइव में करंट जाएगा ही नहीं, तो आर फाइव सर्किट में है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल आंसर आ जाएगा, नहीं तो यहां पे हम नहीं बता सकते कि दोनों में से सीरीज कौन सा और पैरेलल कौन सा है। तो याद रखने का, या इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो, ये अनदर मेथड है, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम हो तो हम बैलेंस्ड बोलते हैं, उसमें आर फाइव निगलेक्ट हो जाता है बिकॉज एक्स और वाई के पोटेंशियल सेम हो जाते हैं। इसका प्रूफ भी है हमारे पास, ये देखिए जी प्रूफ, राइट। हमने एक व्हीटस्टोन ब्रिज कंसिडर किया, यहां से करंट आई लिया, इसका पोटेंशियल वी ले लिया, यहां पे पोटेंशियल एक्स ले लिया, यहां पे पोटेंशियल एक्स होगा, पोटेंशियल सेम होगा तभी निगलेक्ट करेंगे ना इसको, राइट। तो ये इसका पोटेंशियल जीरो मान लिया क्योंकि मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया था। आर वन आर टू आर थ्री आर थ्री, यहाँ से I1 करंट गया तो यहाँ से I1 करंट वापस आएगा बिकॉज ये है ही नहीं, यहाँ से I2 करंट गया और यहाँ से भी I2 करंट वापस आएगा, मतलब ये है ही नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इक्व टू IR, V माइनस X इक्व टू I1 R1, X माइनस इक्व टू I1 R3, इसी तरह V माइनस X इक्व टू I2 R2, X माइनस जीरो इक्व टू I2 R4। जब हमने इनको इक्वेट किया डिवाइड करने से हमारे पास I1 और R2 इक्व टू R2 बाय R1 आ गया, उसी तरह दूसरा सॉल्व किया तो I1 ओवर R2 के R2 4 बाय R3 आ गया। जब कंपेयर किया, रेसिप्रोकल किया, तो उसके हिसाब से R1 into R4 equals to R2 into R3 आ गया। यही ऊपर कंडीशन लिखी थी हमने, देख लीजिए,
तो ये कंडीशन होगी तो बैलेंस्ड होगा, और अगर बैलेंस्ड है तो इनके पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो आर फाइव कंसिडर किया ही नहीं जाएगा, इसको क्रॉस लगा देंगे, राइट। इसके आगे देखिए, ये था वेटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस फॉर्म में हो। बैलेंस के लिए चेक करना, उसको इजी सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है जी, सबसे जब ए शेप आई तो दिमाग में आता है वेटस्टोन ब्रिज है। अब चेक करना बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। ओके, अगर बैलेंस्ड है कैसे चेक करते हैं, 2 × 10 5 × 4 2 × 10 = 20 5 × 4 = 20 तो ये निगलेक्ट हो गया, ये दोनों सीरीज आपस में पैरल आंसर आ गया। बोले सही है जी, क्लियर। ओके जी, अगर ये 5 रेजिस्टेंस लगे व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में और सभी का रेजिस्टेंस आर है तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर निगलेक्ट हो गया, ऊपर भी आर, 2R, नीचे भी 2R, 2R और 2R का आंसर क्या आ गया, आर। तो मतलब अगर एक व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारी रेजिस्टेंसेस सेम हो तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर आती है, तो ये याद कर लेना है। अब बात आती है अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास किरचॉफ लॉज भी होते हैं, पर आज मैं आपको किरचॉफ लॉ याद नहीं करा रहा हूँ, आज मैं आपको नया मेथड दे रहा हूँ, एक शॉर्टकट और एक मेथड। शॉर्टकट और मेथड दोनों तरीके होते हैं, शॉर्टकट भी और मेथड भी, ध्यान से देखिएगा। दिस इज अनबैलेंस, 20 × 80 एंड 40 × 30 एक आ गया 20 × 80 = 1600 40 × 30 = 1200 ये अनबैलेंस्ड है। तो अनबैलेंस्ड फॉर्म में आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ये मैंने लिखा अनबैलेंस्ड को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है जी। शॉर्टकट फॉर्मूला डायरेक्ट, देखिए जी कैसे करना है। क्या किया, इन दोनों का सम, इनका प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का सम, इनका प्रोडक्ट प्लस आर फाइव, इन दोनों का सम का प्रोडक्ट, इन दोनों के सम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फाइव, आर फाइव आया, और इन चारों का सम प्लस इसका सम का प्रोडक्ट। बोलिए सही है जी, याद करने का तरीका क्या है, इनका सम इनका प्रोडक्ट प्लस इनका सम इनका प्रोडक्ट प्लस आर फाइव इनका सम का प्रोडक्ट इनके सम का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय आर फाइव अकेला चारों का सम प्लस आर वन आर थ्री का सम मल्टीप्लाई बाय आर टू आर फोर का सम। ये याद करना है, याद हो जाए तो एक सेकंड में सवाल हो जाएगा, वैल्यू फिल करिए आर वन आर टू आर थ्री आर फोर आर फाइव की, विल गेट द आंसर, फाइन। अगर ये याद नहीं होता है तो हमारे पास एक मेथड है, दैट इज डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, ठीक है जी। ये जो ट्राइंगल शेप होती है इसको बोलते हैं डेल्टा, ये डेल्टा था आर वन आर टू आर थ्री का, मैंने इसको स्टार में कन्वर्ट किया, ये स्टार होता है, इसको स्टार बोलते हैं, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा से मैंने बनाया अंदर स्टार, देखिए 1, 2 और 3 डेल्टा के अंदर स्टार बनाया, इसके अंदर लिखा आर ए आर बी आर सी, आर वन आर टू आर थ्री मुझे पता था, आर ए आर बी आर सी निकालना है, आर ए आर बी आर सी विल रिप्लेस दिस डेल्टा। तो ये आर ए आर बी और आर सी की वैल्यू निकालेंगे कैसे, देखिए आर ए निकालना है, ये किसके बीच में है, ए से निकल रहा ना, इन दोनों के बीच में है, तो आर वन इंटू आर टू नीचे तीनों का सम, ऐसे आर बी निकालना है तो आर वन इंटू आर थ्री नीचे तीनों का सम, आर सी निकालना है आर टू इंटू आर थ्री नीचे तीनों का सम। बोलो सही है, तो जिसके बीच में ये रेजिस्टेंस आई है उन दोनों के प्रोडक्ट बटा तीनों का सम। अब देखिए ये एक अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करूंगा मैं चुटकियों में, ये देखिए जी 2, 8, 16 4, 3, 12 बीच में 5 लगा, राइट। आर ए आर बी आर सी बनाने लगा हूं, ये डेल्टा था एक, इसके बीच में स्टार बना रहा हूं, ये होगा जी आर ए, आर ए कितना 2, 5 = 10 / 10 आर बी कितना होगा 2, 3 = 6 / 10 आर सी कितना होगा 3, 5 = 15 / 10 तो ये वाली चीज अब खत्म होगी 1 और 2 और ये 3, ये डेल्टा खत्म हो गया और उसकी बन गया ये स्टार, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये और ये 1 3/5 3/2 समझ गए, 3/2 3/5 सवाल खत्म। अब ये क्या होगा, दोनों सीरीज आपस में पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज सॉल्व करके आंसर। बोलिए ठीक है, तो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हम किरचॉफ लॉ के बिना भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं याद रखने के, आई होप यू हैव लाइक बोथ द मैथड्स। अगर कोई डाउट आता है डू कमेंट,
डू लाइक डू शेयर डू सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग गॉड ब्लेस यू